और गाड़ी की स्पीड ना तेज करनी है ना स्लो करनी है, जो आगे के हिसाब है उसी के हिसाब से चलना है। घरों से बाहर निकले, मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कोरोना लाइलाज बीमारी है, इसलिए आप लोगों से बार बार प्रशासन का यही अनुरोध है कि आप लोग बेवजह घरों से बाहर न निकले। पूरा खुला है, सरकार इस बात को समझ रही है कि लोगों की आजीविकाएं प्रभावित न हो, उसको साथ में रखते हुए इसीलिए 5 व्यक्तियों का ये आदेश निकाला गया है। और जो पूरा फ्लैग मार्च है वो जो कंजेस्टेड हमारे मार्केट्स है उसमें से ही हम निकाल रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर भी ये जागरूकता है कि उन्हीं के अच्छा वही बीमार ना पड़े, उन्हीं के भलाई के लिए ये आदेश आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि सारे मार्केट एरियाज के अंदर और भी जगहों पर हम इस आदेश को अच्छी तरीके से, देखिए कोरोना जैसा आपको भी जानकारी है एक ऐसी बीमारी है कि जिस प्रकार से जुकाम फैल रहा है उस प्रकार से ही फैल रहा है। जब हम लोग घरों से बाहर निकलेंगे, काम काज पर जाएंगे, तो बड़ी संभावना है कि लोग अगर कहीं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो उससे संक्रमण ले रहे हैं। और 90% जो संक्रमित व्यक्ति है वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो भी नहीं पता लगता कि किसी आदमी को बुखार या वैक्सीनेशन भी 80-85% लोगों को नहीं। पर सरकार अपने स्तर पर प्रशासन सारी कोशिश कर रहा है, हमारे पास सफिशेंट संख्या के अंदर ऑक्सीजन के बेड्स हैं, सफिशेंट संख्या के अंदर हमारे पास कोविड केयर सेंटर में कैपेसिटी है। तो अभी तक 100 से 125 पेशेंट्स आते हैं डेली, उसके बावजूद भी हमारी कहीं पर पानी की सिचुएशन नहीं है और सारी व्यवस्थाएं कर दी। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग होम क्वारंटीन हैं, तो आज हमारे जो क्वारंटीन कोविड केयर सेंटर है उसके अंदर तो मुश्किल से 60-70-80 लोग होंगे। सभी लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक उनको उनके घरों पर रखा जा रहा है, वो लोग वहाँ कम्फर्टेबल भी हैं, और अगर किसी में कोई लक्षण आते हैं तो उनको फिर पी डी एम शिफ्ट करते हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस होम क्वारंटीन करने पर, ताकि लोगों को जो इस प्रकार के इशू होते थे खाना का या दूसरा, तो अपने स्वयं के घर पर एसिम्प्टोमेटिक आदमी ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से रह सकता है, तो वो भी आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।